अंतिम है ये समयसार कर्ता कर्म अधिकार। ज्ञान की महिमा इस कर्ता कर्म भाव के भयंकर अर्थ के समक्ष आचार्य, और ये कहते हैं कि एकमात्र कर्ता कर्म की इस अटी में ज्ञान ही एकमात्र शरण है। जो ज्ञान की निरर्थकता को जानकर उसको विसर्जित कर देता है, वह ज्ञान स्वतंत्र होकर निरंतर अमृत पिया करता है, क्योंकि चैतन्य में अमृत ही भर है। आत्मा स्वयं अमृत तत्व है, क्योंकि अमृत ही है, उसमें मौत नहीं है। आत्मा के भीतर अमृत उसे कहते हैं कि जो अमर कर देता है, उसका नाम अमृत है। अमृत जो कभी मरता नहीं है, मरा हुआ नहीं है, ऐसा अमृत तत्व जो चैतन्य है, एक बार उसमें अपना अहम स्थापित तो सारा विश्व पराया लगने लगा। साथ ही ये जाना कि जो पराया है मेरे से सर्वथा ही पृथक है, सब कुछ उसका जो कुछ भी है अन्य पदार्थ का न कुछ वैभव सामग्री है, उन पर मेरा तिलतुष्य मात्र भी अधिकार नहीं है। इसलिए ज्ञान वहां जाता ही नहीं है, नहीं जाता है बंधन नहीं होता है, जाता है दखल देता है हस्तक्षेप करता है बंधन होता है। सीधी सादी बात, सरल और मन को तुरंत समझ में आ जाए ऐसी चर्चा है। एक ध्यानस्थ मुनिराज हैं, उनको जगत में किसी की जरूरत नहीं अपना ध्यान करने के लिए, उनका अपना जीव तत्व वही ध्येय, और किसी बीच में लाने का वहां कोई अवकाश नहीं। कोई अज्ञानी उनके ध्यान में जाकर विघ्न करे मन उनसे वार्ता करे, उनसे कहे आपका ध्यान तो अच्छा लग रहा है, भंग हुआ कि नहीं हुआ ध्यान, इस रूप में देखे तो तुरंत कर्म महा अपराधिनी प्रवृत्ति विषम अमृतमय ज्ञान का जन्म होता है। लेकिन देखने का तरीका हो कि जगत का पदार्थ अपने एक एक क्षण में अपनी क्रिया में संलग्न है, उसकी क्रिया के संबंध में किसी को पूछने का अवकाश भी नहीं होना चाहिए और अधिकार भी नहीं है, कि उसे स्वयं ये अपेक्षा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी कोई खबर ले या तलाश करे, भाई आपका तो अच्छा चल रहा है। ऐसी औपचारिकता, ऐसा व्यवहार, ऐसा शिष्टाचार, उसकी भी वस्तु को आवश्यकता। इतनी मौन है मैंने सृष्टि, इतनी मौन कि उसमें उसे की पूछताछ की भी गुंजाइश नहीं है। वो पूछताछ है, आपका व्यवसाय निर्वाध बीच में जाकर कोई पूछे व्यवसाय तो बढ़िया चल रहा है तो विघ्न है या उससे व्यवसाय चला, उससे व्यवसाय में सहयोग मिला, तरक्की हुई, क्या हुआ, वृद्धा ही है।
उसके लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। उठाकर कहे कि माँ सूत तो अच्छा कतरा है, तो उसे तो उधर से फिर उसकी तरफ झांकना पड़ेगा, इतने में तो ये क्या हुआ ये? तो हम उसमें गालियां तो ना दें, लेकिन उससे सहयोग और क्या करें, यह भी उसमें बहुत बड़ा फल और कर्ता कर्म की वृत्ति है, क्योंकि वह ये मानता है कि सहयोग की आवश्यकताएं तो वही हो, एक के सहयोग के बिना दूसरे का काम चलता नहीं है, ऐसा सिद्धांत उसकी श्रद्धा में अनादिकाल से स्थापित है। इसलिए वह सहयोग के नाम पर भी उसको विघ्न करके कर्ता कर ले अथवा ना हो, हो मैं तो भी यह तो दूर का दूर रहा, अविचलित रहे तो भी यह तो दूर का दूर रहा, लेकिन अपराधी तो ये हो ही गया, क्योंकि इसने उसके काम में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। इसलिए इतनी मौन और इतनी शांत सृष्टि है। शांति हम जिसे कहते हैं वो क्या है? यही कि चिल्लाते जाओ और अपना काम करते जाओ, उसका विज्ञापन करते जाओ और अपना काम करते जाओ। एक एक अचेतन पदार्थ ध्यान कर रहा है और अपने अपने ध्यान में व्यस्त है वो। द्रव्य हैं पर से मौन अपनी अपनी सहज गुफा में। छह योगी छह गुफाओं में व्यस्त ध्यान कर रहे हैं। यह है सृष्टि का स्वरूप। इस रूप में कल्पना करे तो चित्त में ज्ञान में एक भी वृत्ति ऐसी पैदा न हो कि वह किसी की ओर जाने का प्रयत्न, किसी को लक्ष्य करने का प्रयत्न करे। और जब सारे विश्व से लक्ष्य छूट ही जाएगा तो वह केवल अपने कार्य के प्रति तत्पर होकर उसमें संलग्न हो जाएगा। इसी का नाम आत्मानुभूति, आत्मानंद, आत्मा की स्वाभाविक क्रिया, आत्मा का कर्म, वास्तविक कर्म। इस कर्म को आचार्य जन्म देना चाहते हैं, लेकिन कर्म की प्रीति छुड़ाकर कर्म का जन्म होता है। कर्म के प्रति प्रीति हो तो कर्म का जन्म नहीं होता, काम बिगड़ जाता है। कर्म की प्रीति टूट जाए और जिसके आधार से, जिसके अवलंबन से कर्म पैदा होता है, उसका अवलंबन ले तो काम सहज पैदा हो जाता है। कार्य की तरफ देखे बिना देखो कार्य की रीति। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के संबंध में बहुत विचार करे तो भी पैदा नहीं होता, लेकिन उस शुद्ध चलने का अवलंबन ले तो चुपचाप पैदा हो जाता, कहकर नहीं आता पर उसका जन्म हो जाता। सम्यक ऐसी कुछ विचित्र और विलक्षण रीतियां आपके मुक्ति मार्ग हैं। इसलिए यहाँ तो कर्म का लक्ष्य छुड़ाकर आचार्य उस निष्कर्म और अकर्ता तत्व का महत्व जगाना चाहते। बस एक ही काम है सिर्फ, और यहाँ तो पर पदार्थ और उसके परिणाम का, उसकी पर्याय का, जो कर्ता कर्म का अपराध है उसे छुड़ाया है, लेकिन इसमें सब शामिल हो गया है। आगे और शामिल कर देंगे आचार्य कि द्रव्य को अपना परिणाम करने की भी आवश्यकता नहीं। द्रव्य का वाम अर्थात पर्याय है, एक एक समय की वह इतनी निरपेक्ष है से भी
अपने समय पर होती है, नियत समय पर, और नियत समय पर चली जाती है। तो उसमें जरा भी कुछ करना नहीं पड़ता। कैसी निरपेक्ष है, कैसा विज्ञान है ये। अपने नियत समय पर वह पर्याय आई। पर्याय कितने? अनंतानंत। अनंतानंत में ऐसी सुंदर व्यवस्था कि जिस पर्याय को समय उत्पन्न होना है, उस पर्याय के उत्पन्न होने की पूरी सामग्री उस पर्याय के पास है। वह द्रव्य और गुण से सहयोग नहीं लेती। द्रव्य के षटकारक द्रव्य के पास है। द्रव्य की जो संपदा है वो तो द्रव्य के पास है, पर पर्याय के पास अपनी संपदा अपनी है। वह अपनी संपदा को कर अपनी समय की शक्ति वो उस समय उत्पन्न हो जाती है जिस समय से उत्पन्न होना है। अनंतानंत काल किसको कहते हैं? उसमें अनंतानंत पर्यायों का होना, लेकिन इतना व्यवस्थित कि एक भी पर्याय इधर से उधर नहीं। चाहे तीन लोक किसी एक द्रव्य की पर्याय को इधर से उधर वंत होकर उद्यम वंत हो जाए, वह वहां से हिलने वाली नहीं है। ऐसी सुमेरु जैसी पर्याय है, सुमेरु अपने स्थान, और उसको एक क्षण से अधिक कोई रोकना चाहे तो वह कभी रुकेगी नहीं। तीन लोग भले ही अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर ले, लेकिन वह क्षण पूरा हुआ और वह पर्याय, और जो पर्याय नई पर्याय जिसका क्रम है वही पर्याय आएगी। दूसरी पर्याय का ये स्वभाव ज्ञात होते ही इस पर्याय के प्रति भी जीव का कर्ता कर्म भाव टूट जाता है। ये अष्टा है जैन दर्शन की है, और उसका जो अकर्ता भाव है उसकी पराकाष्ठा है। द्रव्य भी पर्याय का कर्ता नहीं, पर्याय के पास अपनी छह प्रकार की उत्पादक सामग्री विद्यमान है हर पर्याय के पास। ये क्या बैठ सकती? द्रव्य के पास अपने षटकारक अलग हैं, पर्याय के पास छह प्रकार की कार्योत्पादक सामग्री, कार्य को उत्पन्न करने वाली सामग्री वह हर पर्याय के पास है। अगर ना हो तो फिर द्रव्य जिस पर्याय को लाना चाहे उस पर्याय, वह पर्याय तो फिर सर्वथा द्रव्य के अधीन हो गई, क्योंकि सामग्री तो द्रव्य के पास, पर्याय के पास तो नहीं। तो द्रव्य जिस पर्याय को लाना चाहेगा उसको ले आएगा, लेकिन यह बात प्रत्यक्ष ही विरुद्ध है, प्रयोग में भी विरुद्ध है कि हम बहुत मेहनत करके भी कम पर्याय को लाना चाहें, अगर पर्याय से तो हमारा मन फिर गया और मोक्ष के प्रति हमारा चित्त लग गया हो तो हम तो मुक्त पर्याय को ही लाना चाहेंगे ना, जिसमें क्यों अटकेंगे। काम तो वो करना है तो अंतिम ही क्यों ना करें। इसलिए सर्व पर्यायों का उल्लंघन करके द्रव्य यदि मुक्ति की पर्याय को भी लाना चाहे तो वो इनकार कर देगी, बोले अभी मेरा समय। किसको इनकार करेगी? अपने द्रव्य को, अभी मेरा समय नहीं हुआ। तेरे को इससे क्या मतलब, तेरा स्वामी तो मैं हूं, मेरी आज्ञा कि तुम सोच समझ कर आज्ञा दो, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। मेरा तो ये नियम है, मेरा तो ये कानून है,
तुमने अपने समय पर आओ और अपने समय पर कितना अच्छा है। इसके स्थान पर हम थोड़ा भी खिसक कर कल्पना करना चाहें पर्याय, तो अगर एक आध पर्याय अपने समय से पहले भी आ जाए अथवा बाद में भी हो जाए, बिगड़ गया। अनंतानंत की एक जो क्रमबद्ध सांकल थी, एक के बाद एक कड़ी मिली हुई भी और न्यारी न्यारी भी, हुई मैंने क्या अर्थात बीच में गैप नहीं, और न्यारी न्यारी क्यों, क्योंकि एक दूसरी कड़ी से बिल्कुल पृथक है, अलग अलग। इस तरह जो एक अनंत श्रृंखला पर्याय की थी, वो एक पर्याय भी व्यवधान होते ही सारी श्रृंखला भंग हो गई, टूट गई। टूट गई तो वो तो पर्याय ही टूट गई, सारी पर्याय माला ही टूट गई। कहीं से भी टूटे हार, टूटा नहीं फिर वो पहना जा सकेगा, टूट गया वो। ऐसी स्थिति इतनी सुंदर मन भावन कि इसमें अन्य कर्तृत्व का भार तो मेरे ऊपर जरा भी, पांचों अचेतन पदार्थ और मेरे हैं, वे सब अपने अपने परिणाम में मौन हैं, संलग्न हैं, चाहे जो कुछ भी वे कर रहे हो, और मेरी कोई अपेक्षा वे नहीं रखते। अगर रखते हो तो मैं अचेतन जिनके प्रति मेरा घोर ममत्व है, तीव्र ममत्व है, तो मैं उनके परिणामों को तो ठीक कर दूं, एक आध को तो किसी की एक आध आदर तो मैं आदत तो मैं ठीक कर दूं, सदा से जिन कोई कर सका आज तक कोई, हाँ कभी ठीक हो गई तो इसने यही करता कर उल्टा पुष्ट किया, लेकिन यह कर नहीं पाया, क्योंकि करने का ही सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो फिर पर्याय नहीं बचेगा। को जिस तरह यह व्यवस्थित करना चाहेगा उस तरह कर सकेगा, बुरी आदत है तो उसको सह सकेगा, लेकिन ये होता नहीं, प्रयोग में ही नहीं होता, प्रयोग में ही फेल होता है। इसलिए क्यों होता है फेल, क्योंकि ये सिद्धांत ही नहीं। कभी इतना जीव ज्ञान में निश्चय कर ले तो वह ज्ञान सारे जगत सता है, तो फिर क्या करता है कि जैसे जगत अचेतन जगत तक भी प्रति समय अपने कार्य में निरत है, उसी तरह इसके हर समय करने के लिए बहुत आनंदमय क्रियाकलाप हैं। यह अपने चैतन्य की अनुभूति में निष्णात हो जाए, उसमें प्रवीण हो जाए, तो प्रति समय वो आनंद के डोरे निकलते रहें, और उसी की घूंटें काम हुआ कि नहीं हुआ। इस बाजार में व्यवसाय करना तो ये काम है, लेकिन उसका असली कि उधर तो भरना, पेट तो भरना चाहिए, ये भूखे ही सब हो, तो मुख्य काम है कि उसे भोजन मिले। चैतन्य के आधार लेने का जो काम है उसका फल क्या है, उसी समय आनंद का जन्म हो और उसी का ये उपभोग करे, क्योंकि ये आनंद और सुख नाम की जो संपत्ति है वह केवल चेतन के पास है, अचेतन के पास नहीं, और चेतन को केवल यही चाहिए, इसलिए वह अन्य की अपेक्षा बिल्कुल समाप्त कर देता है, फलस्वरूप ये कर्ता कर्म के अपराध का अंत हो जाता। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूसरे में कोई व्यवधान नहीं करती, लेकिन स्वयं इस तरह ही है पैदा करती है, भय पैदा करती है। जब ये मानता है कि मुझे किसी दूसरे को
सहयोग करने का, उसकी रक्षा करने का अथवा उसको पीड़ा देने का अधिकार है, तो फिर अन्य की ओर से स्वयमेव ही उनको भी इसे पीड़ा देने करने का अधिकार मिल जाता है और तब विश्व में एक अराजकता शुरू हो जाती है। क्यों? कौन किसी करना चाहेगा तो दूसरा पीड़ा देना चाहेगा, दोनों में से विजय किसकी होगी? एक व्यक्ति से अनुराग है, दूसरे का से वैर है। वह चाहता है कि यह और मैं तो यही प्रयत्न करूंगा कि इसका अंत हो। दूसरा चाहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसके जीवन का अंत नहीं होने दो। दोनों में से विजय किसकी होगी? ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति यदि प्रारंभ हो जाए तो विश्व में शांति के लिए एक चप्पा भी नहीं खाली, युद्ध स्थल हो जाएगा ये सारा विश्व, क्योंकि लड़ाई के सिवाय कुछ। एक लड़ना चाहेगा और दूसरा, तो दोनों में क्या होगा? झगड़ा होगा। तो कितनी खाक छानी है जैनाचार्यों ने कि तुम सहयोग के नाम पर, दया के नाम पर यह जो अपराध करना हो, और तुम्हारी नियत कितनी बद है, कितनी खराब है कि तुम दया के नाम पर उस पर सत्ता पर ही अधिकार करना चाहते हो। सत्ता पर अधिकार किए बिना दया कैसे कर सकते हो? तुमको किसी के प्रति कुछ करने का अधिकार नहीं है तब तक तुम नहीं कर सकते हो, और जब तक वह तुम्हारे अधिकार में न आवे तब तक तुम उसका कैसे कुछ कर सकते हो? तो पहले तो अधिकार में आने की बात है ना। अधिकार में आवे तभी तो उस क्षेत्र में प्रवेश करे और तब उसमें कार्य हो, उससे दूर पदार्थ से और फिर उसमें कुछ काम करना चाहे तो ये कैसे संभव हो? ये कैसे हो सकेगा? कोई कहे कि वो दूर से ही प्रभाव कर देगा, ये तो हो सकता है ना? पदार्थ दूर हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो काम न करे, सीधा करे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। यह है आपत्ति नहीं है ना? है आपत्ति। क्या आपत्ति है? हो जाएगी पर प्रभाव में क्या? उसके भीतर तो जाता नहीं हूँ मैं, तो दूर से ही जैसे कोई मंत्रवादी मंत्र फूंकता है इस तरह से उसको प्रभावित करना चाहता हूँ। तो अपने को क्या आपत्ति है? नहीं कर सकना, अपन उस रूप में ले रहे हैं, पॉजिटिव रूप में, कि वो ये कहता है कि मैं इसके क्षेत्र में, इसकी परिधि में तो नहीं जाता हूँ, मैं तो दूर से ही प्रभावित करना चाहता हूँ। तब तो तुम्हारा कर्ता कर्म मुझे दिक्कत नहीं करेगा, तब तो मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया। हैं? कैसे हुआ काम? प्रभाव का भी विश्लेषण करना पड़ेगा हमको कि प्रभाव तो हमारी पर्याय, प्रभाव भी एक पर्याय तो होना चाहिए ना, काम है ना वो भी, वो तो हमारी पर्याय, और वो पर्याय जब तक उसका स्पर्श नहीं करती तब तक काम कैसे होगा? और तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उसकी सीमा में ना जाए, ठीक है? और केवल वो पर्याय ही उसकी सीमा में जाएगी, क्योंकि पर्याय कोई द्रव्य, इसलिए वो तो पूरे द्रव्य को लेकर ही उसकी सीमा में प्रवेश करेगी, इसलिए अतिक्रमण हुए बिना न रहेगा। और प्रभाव क्यों हो? क्योंकि प्रभाव तो एक पदार्थ के संबंध में जीव अनेक प्रकार का कर, तब किसका प्रभाव होगा? कि जिसका जोरदार होगा, कि इसका निर्णय कभी होगा ही नहीं। आखिर पर्याय है ना वो,
तो वह पर्याय जब तक जाकर उसका स्पर्श न हो, कह रहा है ना कि मैं दूर से ही करता हूँ, तो दूर से करता है तो ये पर्याय तो उसका स्पर्श भी नहीं करती तो काम कैसे होगा। कुछ तो होगा ना, उसमें उसको लगना तो चाहिए ना, छूना तो चाहिए ना, उसको तब तक नहीं छू सकता जब जाए, क्योंकि उसकी अपनी सीमा है, तो तब तक वो हो नहीं सकता है। क्या तो पूरा गया, इस तरह अतिक्रमण हो गया, दो द्रव्य एक हो गए, एक द्रव्य कर्ता हो गया, दूसरा द्रव्य कर्म हो गया, कर्तर्म दोनों एक में एक होते हैं, इसलिए दोनों मिलकर एक हो गए, यह बात। क्योंकि जो है एक की सत्ता का अभाव हो तब काम चले, कर्ता कर्म तो एक होता है ना, एक पदार्थ, तब एक की सत्ता का अभाव हो तब वास्तव में कर्ता कर्म की सिद्धि हो, और वो कभी होता नहीं। कर्ता कर्म क्या है कि कर्ता कर्म कोई साथ होने वाला काम नहीं, लेकिन वह एक अहंकार है, केवल वह अहंकार उसी के भीतर रह जाता है कि जो ये मानता है कि मैं कर्ता और करता रहे अहंकार, इसलिए ऐसे विफल कर्म का, निरर्थक कर्म का ज्ञानी परित्याग कर देते, क्योंकि रिमोट कंट्रोल रहते हैं, रिमोट कंट्रोल तो यहाँ आग लगा के और टीवी सामने कर जाए, तो ये बात है। ये सब परमाणुओं की श्रृंखला है, मतलब दुनिया दबाया, मिलो दूर जाके बम चल गया, वही व्यवस्था है, चल गया, चलना है तो, नहीं चलने वाला होगा ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल धरा रह जाएगा। ऐसे नहीं आती क्या, ऐसे अवसर नहीं आती क्या कि जब ये प्रयोग करते हैं और इनके प्रयोग वहाँ पहुँचते ही नहीं, कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहते, अब वो यहाँ के नियंत्रण में नहीं रहा, तो ये क्या हुआ, जब आरंभ से नियंत्रण में भेजा था तो अब नियंत्रण के बाहर कैसे हो गया। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ से ही नियंत्रण में नहीं था, ऐसा मानकर एक वो हवा में बाण छोड़ा गया। सर्वत्र ही है ये बात, तो एक भी उदाहरण जगत का ले लो, एक भी, चाहे जैसा ही निमित्त निमित्तिक भाव ले लो, कैसा भी जैसा हमारे विकल्प में आवे, दुनिया का कोई भी ऐसा ले लो कि जो कभी फेल ही नहीं होता हो, उसको भी जिनवाणी फेल कर देगी। मैं समझ गया आपका प्रश्न, कि वो जो होता है रिमोट कंट्रोल होता है, तो वो हो जाता है तो इसको निमित्त कह देते हैं, जब होता ही नहीं है तो फेल कहते हैं, फिर निमित्त कहाँ कहते हैं उसे, निमित्त में न करने वाला, उनकी भाषा में कर्ता कारण, तब कहाँ कहते हैं, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये क्यों हो जाता है, जब हम एक कार्य को का कर्ता अपने आप को मानते हैं और उसे अधिकार पूर्वक व्यवस्थित ढंग से शुरू करते हैं, और हमारे मन में तो उसकी व्यवस्था पूरी की पूरी बनी रहती है, लेकिन जिस पदार्थ को हम व्यवस्थित रखना चाहते हैं वो अव्यवस्थित हो जाता है। ये किस पर रही बात सारी, कौन रहा इसका उत्तरदायी, वही पदार्थ है, क्योंकि उस पदार्थ का परिणाम यह जो रिमोट कंट्रोल चाहता है वो होना ही नहीं है, वो उसके क्रम में भी आया ही नहीं, होगा कैसे, बिना क्रम के बिना नंबर के कैसे आ जाएगा, आना तो वो था फेल वाला परिणाम, ये फेल कहता है वो कुछ काम कर रहा है, उसमें कोई काम हो रहा है, और ये कहता है फेल हो गया, वहां तो निष्क्रिय हुआ ही नहीं, बराबर सक्रिय है। इस तरह कोई भी दुनिया का कोई भी उदाहरण
ले लिया जाए तो वह जिनवाणी पर तोलने पर फेल हो जाएगा और निमित्त नैमित्तिक भाव में ही ये कर्ता कर्म का भ्रम होता है, संयोग में होता है कर्ता कर्म का भ्रम, लेकिन एक भी सही नहीं होता। हम रोजाना के, और तो ये तो सब वैज्ञानिकों के हैं, पर रोजाना नित्य जो हम घरों पर करते हैं, यहाँ करते हैं, उनका विश्लेषण करके देख लें। ये जैसे एक बोलता है, दूसरे लोग सुनते हैं, सुनते हैं और उनको ज्ञान पैदा होता है, इसका ही विश्लेषण कर लो, होता है कुछ? किसी को बिल्कुल होता ही नहीं है, किसी को पूरा होता है, होता ही नहीं है। एक व्यक्ति को कहे कि तुम, ये गोली है तुम्हारे हाथ, तुम इसको नीचे पटक सकते हो, यहाँ पटक सकता हूँ, इनकार नहीं करेगा ना कोई, उसके हाथ में गोली है कि तुम नीचे पटक सकते हो, वहां पटक सकता हूँ, अच्छा वैसा करो, इतना सा और करना, कि ये गोली, ये जो मैं निशान लगता हूँ, यहाँ पड़ना चाहिए, तो पड़ जाएगी कि वो चटके वहां जाएगी। वह अचेतन पदार्थ कि जिस पर चेतन ने अपना अधिकार अपने मन में कर लिया था, हुआ नहीं था, और अधिकार पूर्वक ही उसने उस गोली को बड़े यत्न से, बड़े कर्ता कर्म भाव से वहां उस निशान पर डाला, और वह गोली उस निशान पर न गिरकर उचटकर वहां गई दरवाजे के पास। ये उचटकर जाना, ये किसने किया ये काम? ये किसने किया ये काम? ये उसको सिखाया किसने? उस अचेतन पदार्थ को ये बात किसने सिखाई कि तू यहाँ मत गिरना और वहां चले जाना? एक सुई डालकर देख लो, वो गिरेगी नहीं अपने स्थान पर, वो भी उचट कर जाएगी कहीं, इतनी उसमें, ये इनकी शक्तियों का अनुमान हमें करना चाहिए कि हम जिसको एक छोटा सा पदार्थ समझते हैं वह भी कितना शक्तिशाली होता है। नीचे मोती रहे हो तो देखें उनको, आप अपनी इच्छा अनुसार चुन लो, एक को लोगे तो वो फिसल जाएगा, फिर दूसरे के हाथ लगाओगे वो फिसल जाएगा, तीसरा बड़ी मुश्किल से हाथ आएगा। हर निमित्त नैमित्तिक भाव कर्ता कर्म की तुला पर फेल हो जाएगा। कोई भी, कोई भी तो बताओ, एक आध उदाहरण तो, सैकड़ों काम तो अपन करते हैं दिन भर में, एक ही बताओ कि हम ये तो ये कर सकते हैं। अच्छा, हम लाखों कार्य हैं, उनमें इस काम में तो हम कभी फेल नहीं होंगे, कि तुमको अभी फेल करती है जिनवाणी, तुम बोलो तो जरा, कौन सा कार्य है? बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, लेना देना, सब में फेल हो जाए, क्योंकि इसका बहुत विश्लेषण है एक एक कार्य का। हाँ, कर सकते हैं, पुरुषार्थ में तो कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वो पुरुषार्थ सदैव असिद्ध है। अब ऐसा पुरुषार्थ कि जो किया तो बहुत जाए और जिसका कोई उत्पादन ना हो बल्कि कष्ट हो, तो वो करने लायक रहा या तुरंत छोड़ देने लायक रहा? जिसका उत्पादन ही ना हो कुछ, जो चाहे वो उसमें से निकले ही नहीं, पैदा ही नहीं हो, ऐसे पुरुषार्थ से लाभ क्या है? खेत बिल्कुल साफ है, तैयार है एकदम, लेकिन उसमें बोने के लिए हमने कंकर डाले और अब हम लहराते हुए खेत की आशाएं लेकर रो जाते, ऐसे पुरुषार्थ से क्या लाभ? इसके स्थान पर गेहूं फेंकता, सही पुरुषार्थ। हर उदाहरण ऐसा ही है, प्रत्येक ही जितने भी निमित्त नैमित्तिक भाव जिनमें हम कर्ता कर्म का भ्रम करते हैं वो सब इसी तरह के हैं, बिल्कुल।
पानी तो अग्नि के बिना गर्म नहीं होता, नहीं होता ये तो हम स्पष्ट देखते हैं कि ठंडा पानी है तो वो अपने आप तो गर्म नहीं होता जब तक हम उसे अग्नि पर नहीं चढ़ाते, तो तुरंत गर्म हो जाता है, ये भी बात पक्की। और वो भी पक्की कि नहीं चढ़ाते तब तक वो ठंडा रहता है। अब इसको तो हाँ कर लो कि अग्नि ने पानी को गर्म किया, आंखों देखी कैसे झूठी हो सकती है, तो इसमें क्या दिक्कत देंगे अपन, इसमें अपन क्या आपत्ति देंगे। तो पहले ठंडा था और हमेशा ही अनादि से ही, चाहे धूप हो अग्नि के स्थान पर कोई भी हो, लेकिन वो गर्म तभी होता है, तो इसमें क्या अपन आपत्ति करेंगे कि नहीं अग्नि से नहीं हुआ, क्या आपत्ति है रमेश जी, क्या आपत्ति है? नहीं आपत्ति तो है, लेकिन कुछ अपने को मालूम है कि आपत्ति तो कहनी पड़े ना, हैं? नहीं नहीं स्वभाव हुआ को तो रहने दो, तुम तो अपने तो इसकी बात करो ना, कर्ता कर्म भाव को सिद्ध करने की बात करें अपन, तो देखो कर्ता कर्म भाव वो प्रत्यक्ष देखा जाने पर भी सिद्ध है या असिद्ध है, सत्य है या झूठा है, तो झूठा साबित करो उसे, चढ़ाते ही गर्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है तर्क कि उसको जो गर्म होने में समय लग रहा है ये अग्नि पर निर्भर है या पानी पर निर्भर है, और फिर वह एक निश्चित समय में ही क्यों गर्म होता है, ये तो हो गया। अच्छा अग्नि पर चढ़ाने से गर्म हुआ तो अग्नि से अलग हो जाने पर ठंडा हो जाना चाहिए, तो हो जाता है, तो कितनी देर लगती है? तो अब ये किस पर रहा वहां, तो अग्नि का तो अभाव हो गया, अब तो अब ये किस पर रहा, और यदि उसने अग्नि के प्रभाव को स्वीकार कर ही लिया तो ये छोड़ क्यों दिया, ठंडा क्यों हो गया फिर? और उसको ठंडा होने में इतना समय क्यों लगा? और सबको अलग अलग प्रकार का समय लगता है, गर्म होने में अलग अलग प्रकार का समय है और ठंडा होने में भी अलग अलग प्रकार का समय, ये सब है बात। इसलिए एक भी बात कर्ता कर्म के रूप में सिद्ध नहीं होती। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने उद्यम को यदि सार्थक करना हो तो कर्ता कर्म की इस विफल प्रवृत्ति और इससे उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है उसका तुरंत परित्याग कर दो। इसमें तो कोई झगड़ा नहीं, अहंकार तो हमारे ज्ञान की वृत्ति है, ज्ञान में से फेंक दो उसे, निकाल दो ज्ञान में, क्या कहते हैं ऐसे फालतू चीज को, बेकार को, जिस कागज फट गया हो, भर गया हो, खराब हो गया हो, तो उसको यूं करके और कहाँ फेंकना, अपनी सत्ता में जो हो रहा है, अपनी पर्याय में जो हो रहा है, अहंकार वो सिर्फ आत्मा की पर्याय है, और अचेतन में तो अहंकार होता ही नहीं क्योंकि तो अज्ञान की पर्याय है, और पदार्थ में ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान रूप पर्याय कहां से होगी। इसलिए आत्मा की पर्याय में ही ये महाअहंकार लिखा है, इसमें साफ महाअहंकार रूप अज्ञान अंधकार, अज्ञान का ऐसा अंधकार कि जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें सिर्फ कर्ता कर्म ही दिखाई देता है, ऐसा महा अहंकार जो अत्यंत दुर्निवार है, क्योंकि जिसकी आदत व्यसन बन गई है, और जिसमें जीव को ऐसा लगता है कि हो तो रहा है, मैं नहीं करता तो कैसे होता, कितने किए हैं दुनिया में काम, अगर एक आध नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ गया उसे,
यही है हमारा, कहते हैं हमारा जो तर्क है असली, जो सही वकील होता है वो तो कहता है कि मेरा केस ही यही इस जगह ही, ये नहीं हुआ और तुम करता थे तो क्यों नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि कोई दूसरा करता है, मेरा केस ही यही है। जो चतुर वकील होगा वो तो तुरंत पकड़ लेगा। एक गांव वाले से जिरह करने लगा, एक जज झगड़े का था किस्सा, परस्पर झगड़े का, तो किसी को साक्षी के लिए बुलाया, तो वो पूछने लगा जज कि वो खड्डा कितना गहरा था, कितना लंबा चौड़ा था जिसमें इसने इसकी बकरी मारी, तो कितना लंबा चौड़ा था, कितना गहरा था, तो वो क्या जवाब देता गांव वाला, आज तो मैंने नापा था क्या, मैंने वो गड्ढा नापा तो नहीं था, मैं कितना गहरा था, कितना लंबा चौड़ा था, लेकिन आप ही बता दो, आप इस टिल्बे पर से बैठते हो, ये कितनी लंबी चौड़ी है, कि जज चुप हो गई। तो ग्रामीण भी जान गया ना कि अपना केस आ गया, जहां इसने ये प्रश्न कर लिया तो अपनी सफलता का जो स्थल है वो यही है, कि अभी जज से प्रश्न कर बैठो ही, तो अपने क्या, अपने कोई यहाँ कोई कोई दबाव तो है ही नहीं, इस तरह की ये स्थल है इसका, कि एक बार भी स्थिति में एक पदार्थ में भी यदि किसी दूसरे के द्वारा कोई चूक हो जाती है तो समस्त कर्ता कर्म का सिद्धांत फेल हो जाता है, खंडित हो जाता है। एक पदार्थ को यदि ये अधिकार मिल गया तो जगत के सारे पदार्थों को अधिकार मिल जाते हैं और ये सिद्धांत फेल हो जाता है, इसलिए वो संभव नहीं, इसलिए संभव नहीं। असर वगैरह की बात हो तो भी ये जिनवाणी है, रोज असर क्यों नहीं होता है? अरे एक अनादि से चला आया जो मिथ्या दर्शन है, और ये जिसकी चर्चा है कर्ता कर्म के अज्ञान की, यही नहीं जाता है, और रोज सुनते हैं, और लो असर साफ ही देखो असर। अब ये तो दूर, लेकिन साक्षात भगवान की वाणी हो वहां भी बेअसर, वहां भी जो साथ ले जावे उसको छोड़कर नहीं आवे, साथ का साथ ले आवे मिथ्या दर्शन, और वाणी भगवान की उसके खिलाफ हो रही, लेकिन भगवान को भी अधिकार नहीं, भगवान को भी अधिकार नहीं। भगवान कहते हैं मैंने थोड़ी पैदा किया है, इसने उत्पन्न किया है तो स्वयं साफ कर ले, इसमें क्या है, पेट जिसका खराब है तो कौन लेगा दवाई, डॉक्टर तो केवल कहेंगे एक दवाई भी पी लेंगे, तो भगवान केवल कहेंगे या कर भी लेंगे उसके स्थान पर, और किन के स्थान पर करेंगे, अनंत हैं जी। इसलिए सिद्धांत ये कितना सुंदर है कि तुम बिल्कुल साबत तत्व हो, तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ हाथ पैर टूट जाते हैं ऐसे आत्मा के भी कुछ टूट गए हों, उसकी शक्तियों में भी कुछ पतन हो गया हो, ऐसा आत्मा में कभी होता, वो सदा ही संपूर्ण है, हर समय बिल्कुल व्यवस्थित, पूरा का पूरा पूर्ण चेतन है वो प्रति समय। अब इतना अवश्य है कि शक्ति होने पर भी उस शक्ति का उपयोग न करे, ये तो हम लोगों में होता है कि शक्ति होने पर भी जब प्रमाद होता है तो आवश्यक कार्य नहीं हो पाते, सब बातों में हम करते हैं, धार्मिक क्रियाओं में प्रमाद करते हैं, उठने बैठने में प्रमाद करते हैं, गृह कार्य में, व्यवसाय के कार्यों में जो आवश्यक कार्य होते हैं, जहां काम करने का समय हो तो वहां सो जाते हैं, तो कौन करे,
है नहीं कोई दूसरा। इसलिए कितना गहरा खनन करके भीतर पदार्थ वस्तु के भीतर जाकर और उसकी शक्तियों का दर्शन करके, दर्शन की गरिमा देखें, गौरव देखें हम, इस सर्वज्ञ कितने भीतर गए हैं वस्तु के। वे भी अगर केवल ये बाहर का क्रियाकलाप देखकर और संतुष्ट हो जाते, यहीं विराम पा लेते, तो ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान है ये कैसे हो पाता। अरे ये बाहर जो हो रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और भीतर जाओ। और भीतर कर देखा तो एक एक पदार्थ का कल पुर्जा अपने अपने समय पर व्यवस्थित सक्रिय था, व्यवस्थित कार्य कर रहा था। ये देखा भीतर जाके और सब मिले हुए अनंत पदार्थ, एक ही क्षेत्र में अनंत पदार्थ, और वो अनंत पदार्थ सब मिलकर काम करते हुए देखे जाते हैं, सब मिलकर। लेकिन देखा और पता लगाया तो भीतर जाने पर पता लगा कि एक एक पदार्थ अपनी अपनी शक्ति से अपना अलग अलग व्यवस्थित काम कर रहा। जैसे 100 स्त्रियां हों और उनके स्वर अच्छे हों, तो जब गीत गाया तो एक गीत निकला, एक गीत निकला, तो अभी 100 का कैसे माना जाए, इसमें एक हो गया ना 100 का मिलके। अब जो समझदार है, अनुसंधान प्रिय है, उसने भीतर जाकर देखा तो हरेक का स्वर न्यारा न्यारा था। और ये जो एक दिखाई देता है ये एक नहीं है, इसमें 100 स्वर हैं न्यारे न्यारे, और वो हर एक के स्वतंत्र कंठ से अलग अलग आ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से नहीं। तो कितने हो गए, जो एक दिखाई देता था वे 100 हो गए, और वे भी स्वतंत्र बिल्कुल। ऐसी स्थिति यहाँ है कि सैकड़ों पदार्थ हों, सैकड़ों पदार्थ काम कर रहे हों, और एक काम होता हुआ दिखाई दे रहा हो कि ये एक काम नहीं है, इस सैकड़ों पदार्थों के 100 पदार्थों के 100 कार्य हैं, एक नहीं है। ये अनुसंधान की प्रक्रिया, वैज्ञानिक लेबोरेटरी की प्रक्रिया है, ये अनुसंधान शाला की, जो तीक्ष्ण ज्ञान करता है, और तब कर्ता कर्म का भेदन होता है, तब टूटता है कर्ता कर्म। क्या जरूरत है, ये पदार्थ अपनी पूरी शक्तियों को लेकर बैठा है तो फिर उसे सहयोग कौन करेगा, उसमें जाएगा कौन, उसमें तो शक्ति है एक एक चप्पे चप्पे में, उसमें जगह ही खाली नहीं है कि कोई दूसरा पदार्थ उसमें के प्रभाव कर सके, उसमें एक भी जगह गुण और पर्यायों से है कि उसमें किसी का प्रवेश ही जहां कोई असर हो। इसलिए कर्तव्य की प्रवृत्ति निरर्थक है, तो एक बार भी नाश को प्राप्त हो, यूं कहें आचार्य, वह एक बार भी नाश को प्राप्त कब, परमार्थ नए और शुद्ध द्रव्यार्थ का ग्रहण करने से, अर्थात सही ज्ञान से, उस वस्तु के नजदीक कर देखने से, नए लगाकर नहीं। नए तो नाम आया, फिर जब वस्तु का नया तब उस ज्ञान का हमने नाम रखा, नाम दिया उसे, लेकिन पहले ही ज्ञान का नए तो हम उस ज्ञान रह जाएंगे तो वो नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए सीधा वस्तु हमारा स्वभाव, उस वस्तु के स्वभाव के निकट जाएं सीधा और उसको देखें, उसके स्वभाव का पता लगने पर कर्ता कर्म का होता है, और शुद्ध जो ज्ञान जिस उस ज्ञान का नाम एक नए है, क्योंकि उसने देखा कि हर वे अपने द्रव्य गुण पर्याय में स्वतः है पूरा का पूरा, और शुद्ध है अर्थ किसी दूसरे का कर्ता कर्म भाव, किसी दूसरे का सहयोग असर इत्यादि में बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक एक पर्याय भी शुद्ध, चाहे शुद्ध हो मिथ्या दर्शन की, लेकिन वो रहती नहीं फिर, और कर्ता कर्म का विसर्जन हो जाए तो फिर वो आदि और कर्ता ज्ञान की पर्याय समाप्ति हो गई संधान में।
श्रृंखला जो आगे वाली जो क्रियाएं हैं तो वो वर्तमान की तरह व्यवस्था ने अपनी जगह अपने समय पर प्रकट हो जाएंगी। नहीं तो आदिनाथ भगवान को जो महावीर स्वामी की जो क्रियाएं नजर आई थी तो वो क्या क्रियाएं उसमें कहां पर रहती? तो जिस समय होने वाली थी उस समय नजर आई ना, नजर तो आज आई लेकिन आज होती हुई नजर आई क्या? जिस समय होनी है उस समय नजर आई, आज देखी ज्ञान ने तो आज ही तो होती हुई नहीं देखी तो गलत हो गया ज्ञान, क्योंकि आज तो वो हो ही नहीं रही। बात की जो ये ज्ञान की ताकत है, अच्छा। शक्ति है ये ज्ञान की, इसमें क्या है? तो वो अपनी जो प्रयाण जो बीच की जो प्रयाण है सब जानने में, सब जानने में आती है, सब जानने में आती है। तो द्रव्य मतलब अंदर से सब द्रव्य के अंदर है, मैंने द्रव्य में से ही प्रकट होने वाली है नहीं विद्यमान। विद्यमान तो एक ही पर्याय होती है एक समय में, क्योंकि अगर वो विद्यमान हो तो फिर वो तो द्रव्य हो गई। जैसे द्रव्य सदा रहता है वैसे फिर पर्याय भी सदा रही, तो फिर वो पर्याय कहाँ रही? वो नाश कहाँ हुआ उसका? और वो उत्पन्न भी कहाँ हुई? वो तो थी, तो उत्पन्न कैसा होना उसका? उत्पन्न मैंने वो तो बिल्कुल जो पहले नहीं थी वो बिल्कुल नई आवे और फिर एक क्षण में वो चली ही जाए, उसको कहते हैं उत्पाद और व्यय। ये पर्याय का स्वभाव है। अभी किसने बनाया? हम तो रोकना चाहते हैं पर्याय को, लेकिन एक भी पर्याय आज तक रुक नहीं पाई। इस सारा बहुत जबरदस्त विज्ञान है वस्तु का, वस्तु विज्ञान कहते हैं। ज्ञान ने जिस समय इसे जान लिया तो तुरंत अपनी गंदी आदतों को छोड़ देता है, हस्तक्षेप करने की, अतिक्रमण करने की, इन सब आदतों को। कभी किसके घर में गया, कभी किसकी छेड़खानी की, कभी किससे बातचीत करने लगा, अरे वो उसके काम में लगा हुआ है उसको क्यों छेड़ता है, तू अपना काम कर। सीधा नहीं बात सीधी। परीक्षा भवन में सब लड़कों से यही तो कहा जाता है कि बिल्कुल अपने पेपर की ओर देखोगे, इधर उधर भी नहीं देखोगे, इतना तक कहा जाता है। और देखते हैं तो लड़के तुमने क्यों देखा उधर, सब देखने में कोई पेपर थोड़ी छीन लिया, उसका टीप थोड़ी लिया, देखो मत, बिल्कुल अपनी अपनी कॉपी में देखो, इतना तक तो इनकार किया जाता है। ऐसे एक शांत परीक्षा भवन जैसा सारा विश्व है। इसमें चिंतन में आनंद भी आता है, क्योंकि एक तो अव्यवस्थित दिखाई दे सारी सृष्टि, अव्यवस्था सारी, घर में एक चीज कहाँ पड़ी है, दूसरी कहाँ पड़ी है, तीसरी कहाँ पड़ी है, और उसकी तलाशी हो रही है, और फिर वो की वही आदत, और एक ये कि सब व्यवस्थित पड़ी है अपनी अपनी जगह पर, तो सुंदरता किसमें दिखाई देगी? जैसे आपका ड्राइंग रूम हो, अब उसकी दशा देख लो, ड्राइंग रूम में जो है वो एक जगह चाय ढुल रही है, एक जगह दूध ढुल रहा है, एक जगह जो है नमकीन बिखर रहा है, और मेहमान आ ही रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे? व्यवस्थित हो, ये तो स्वभाव से ही व्यवस्थित है सारा विश्व, स्वभाव से ही किसी ने बनाया हुआ नहीं है। तो उसकी व्यवस्था का दर्शन करे तो ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि जो स्वयं हमें परेशान करती है, जगत को नहीं परेशान करती, पर स्वयं हम ही जिसके कारण सीमातीत परेशान होते हैं, क्योंकि जहां कर्ता कर्म माना वहीं उस पदार्थ पर अपना अधिकार माना, अधिकार माना तो अपनी इच्छा के अनुसार उससे प्रवृत्ति पाने की चेष्टा की कि मेरी इच्छा के अनुसार वर्तन करे, वो वर्तन करता नहीं है और हमको प्राणांतक कष्ट होता है। सीधी बात है ये फल करता कर्म, और हर समय है ये। जिस समय हम बड़े आराम में अपने को साता के उदय में अनुभव करते हैं उस समय भी कर्ता कर्म की ये प्रवृत्ति उसमें मिली हुई है,
और वह हमको वास्तविक आनंद पैदा नहीं होने देती। भले ही हम हंस रहे हों साता की, लेकिन वह तो सन्निपात का हंसना है, जिसको हम मान लें भले ही आज तो हंस रहा है ये, बोलो कितना आराम होगा। और डॉक्टर कहता है कि क्या बकते होते, इसका तो समय आ रहा है। इसलिए बंधन नहीं हो सकता जब ज्ञान अपने स्वरूप से हटकर कहीं जाएगा ही नहीं, तो फिर ज्ञान को कोई आपत्ति देने वाला जगत में है ही नहीं। क्या कहेंगे उस ज्ञान को, क्या कहेंगे कि तुम कहाँ गए थे, कि मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो अपने घर में ही था। तो बंधन कैसे होगा, बंधन किसको होता है, घर से निकले बिना बंधन होता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है, और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञान से बंध कैसे हो सकता है। कितनी सीधी लिखी है बात, जब ज्ञान कहीं नहीं जाता, मैंने क्या, जब ज्ञान किसी अन्य का लक्ष्य भी नहीं करता, किसी अन्य के साथ ममत्व ही नहीं करता, किसी अन्य के साथ एकत्व ही नहीं करता, ये जाना, ज्ञान का जाना किसको कहते हैं, जावे मन चला जाता है पदार्थ के पास, जाना मैंने ज्ञान की दिशा होना। कोई भी जगत का पदार्थ वो ज्ञान में एकत्व रूप विषय किया जाए उसको ज्ञान का जाना कहते हैं। जब ज्ञान ने संपूर्ण विषय से एकत्व तोड़ ही लिया तो फिर इसका जाना आना समाप्त हो गया, और यह तो केवल अपने आनंद निकेतन में रहता है, शांति निकेतन में रहता है, और निरंतर शांति का और आनंद का अमृत पीता है। देखते हैं ऐसे ही सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, उनको देखते हैं, देखो इधर उधर इतना कितना काम करते हैं, कितने परेशान हैं, शादी विवाह लेन देन व्यवसाय घर में रहना परिवार के सब सब करते हैं, तो बस वही अनुसंधान में जाता है फिर ज्ञान के। हमने तो ये देखा कि कुछ भी नहीं कर रहा था, यह तो केवल उस अपनी ज्ञान क्रिया में ही तन्मय था कि जो ज्ञान क्रिया सदा आनंदमय होती है, ये अनुसंधान की है बात। और जो केवल बाह्य परिकरों में अटक जाते हैं तो वे देखते हैं कि तो बहुत परेशान है, क्या सम्यक दृष्टि है, कैसे इसको सम्यक दृष्टि मान लें, ये तो बहुत परेशान है, कि थोड़ा भीतर जाओ, बाहर से मत देखो, भीतर जाओ। भीतर जाकर देखा तो उसका तो जो दिल है उस सारे विश्व से टूटा हुआ था और केवल अपनी सत्ता में स्थिर था। कहीं जाओ, लंदन जाओ, चित्कार रहता है, तो कोई कहे कि इसका तो यहाँ लंदन आने पर मन लग गया, कि नहीं तो लग तो गया और क्या है, हिलना ही नहीं चाहता है यहाँ से, कि थोड़े और भीतर जाओ। भीतर जाकर देखा तो उसका मन लंदन में था ही नहीं, उसका मन ही कोटा में था, तो मन को तो वो यहीं रख गया था, मन को यहाँ रखकर वो गया था। तो ये अनुसंधान की वस्तु नहीं है, इसलिए बाहर के परिकरों में ज्ञानी कभी भी मुग्ध नहीं होते, वे तो अनुसंधान जानते हैं। ज्ञान अनुसंधान तत्व ही है, ज्ञान का काम ही यही है कि भीतर धस जाता है वो, तो भीतर, और तभी तो कली कली खोल देता है पदार्थ की। गुण और पर्याय ये तो दूर रहे, लेकिन पर्याय एक एक पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उनमें से एक एक को ज्ञान न्यारा न्यारा कर देता है, अलग अलग कर देता है। ऐसी विश्लेषक पद्धति है प्रयोगशाला की तरह, जिसे ज्ञान नहीं जाता तो फिर बंधन कैसे हो सकता है।